नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एडवांस इनकम टैक्स पे के बारे में। एडवांस इनकम टैक्स पे आप घर बैठे किस तरह से ऑनलाइन भर सकते हैं, परंतु इससे पहले मैं आपको बता दूं एडवांस इनकम टैक्स पे होता क्या है। अगर आपकी सालाना 10,000 रुपए से ज्यादा की लाइबिलिटी बनती है इनकम टैक्स पे की, तो आपको वहां पे इनकम टैक्स पे एडवांस भरना रहता है। एडवांस इनकम टैक्स पे क्या होता है, बेसिकली आपकी जितनी भी इनकम होती है उसके अंदर साल का 10,000 से ज्यादा अगर आपकी इनकम टैक्स पे लाइबिलिटी होती है तो आपका 1% इंटरेस्ट लगता है वहां पे। और ये जो 1% इंटरेस्ट लगता है आपकी टोटल इनकम के ऊपर लगता है। और यहाँ पे जब भी आप नेक्स्ट टाइम जिस भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप पेमेंट करते हैं, वहां पर आपको हर महीने 1% आपकी जितनी भी इनकम है उसके हिसाब से, आपकी लाइबिलिटी के हिसाब से आपको वहां पे पेमेंट करना रहता है। अगर आप एडवांस के अंदर ही आपका इनकम टैक्स पे कर देते हैं तो आपको ये 1% इंटरेस्ट वहां पे नहीं देना रहेगा। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से आपका जो एडवांस इनकम टैक्स है वो पे कर सकते हैं। वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों एडवांस इनकम टैक्स भरने के लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, incometax.gov.in। यहाँ पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है जहाँ पे आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपना पैन कार्ड और आईडी पासवर्ड लगा के वहाँ पे लॉगिन करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जहाँ पे आपको ई फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ई पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ई पे टैक्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन ओपन होते हैं जहाँ पे आपको इनकम टैक्स का जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको लिखा मिल जाता है एडवांस टैक्स 100। सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे असेसमेंट ईयर ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे 2023-24 है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे 2023-24 को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-23 वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप यहाँ पे कौन सा पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स 100 का जो ऑप्शन है इसको सर्च करना रहेगा। सर्च करने के बाद में आपको ये सेलेक्ट करना है। ये इनकम टैक्स का जो एडवांस टैक्स अगर आप पे करते हैं तो इसके लिए आपके यही कोड सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आप कितना टैक्स है यहाँ पे करना चाहते हैं। जैसे कि आप 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, जो भी अमाउंट यहाँ पे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आपको यहाँ पे मैनुअली एंटर करनी रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 10,000 एंटर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 10,000 एंटर कर देना है। लाख एंटर करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे को 1,00,000 रुपये यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं जितनी अमाउंट आपने ऊपर सेलेक्ट की थी यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाती है। सिंपली आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट का जो ऑप्शन है ओपन हो जाते हैं जहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, RTGS, NEFT जैसे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट करनी रहेगी। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेबिट कार्ड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बैंक के काउंटर से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे RTGS, NEFT से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे का जो ऑप्शन है उससे भी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके नेट बैंकिंग का नाम यहाँ पे आपके बैंक का नाम यहाँ पे नहीं आता है तो इस कंडीशन के अंदर आप यहाँ पे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, किसी भी एक बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि फेडरल बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,00,000 रुपये की जो राशि है उसका टैक्स आपको पे करना है। सिंपली आपको पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, टर्म एंड कंडीशन को रीड करना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक पॉपअप आता है जिसको आपको लीव कर देना है। उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं फेडरल बैंक के ऑफिशियल पेज पे जहाँ पे आपके अमाउंट ऑटोमेटिकली लिखी हुई आती है। सिंपली आपको पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं जैसे कि आप नेट बैंकिंग से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कार्ड से या UPI का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं पे करना रहता है। अगर आप यहाँ पे नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे 12 रुपये प्लस GST यहाँ पे करने रहेगी। सिंपली आप अगर नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे नेट बैंकिंग के अंदर जो भी है बैंक उसको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है जहाँ पे अपना बैंक है उसको सेलेक्ट करना रहेगा।
बैंक जैसे कि आपका HDFC है तो आप यहाँ पे HDFC सेलेक्ट कर सकते हैं, एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है, पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 रुपये टैक्स है वो आ जाती है और 2 रुपये 16 पैसे GST है वो आ जाती है। अगर यही पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करते या UPI से करते तो ये टैक्स आपको यहाँ पे नहीं पे करना पड़ता। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। पे के ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होता है, टाइम लिया जाता है, आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं उस बैंक की नेट बैंकिंग पे। उसके बाद में आपको वहाँ पे लॉगिन करना रहेगा अपने आईडी पासवर्ड डाल के। आप जैसे HDFC बैंक के आईडी पासवर्ड है वो आप यहाँ पे डाल के लॉगिन करते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपकी पेमेंट यहाँ पे जैसे ही सक्सेसफुली हो जाती है आप वापस से इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपका जो चालान है सक्सेसफुली आपको यहाँ पे देख जाता है कि चालान पेमेंट इज़ सक्सेसफुल। उसको आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जाता है। डाउनलोड करने बाद आप इसको यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो चालान है आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर सेंड कर दिया जाता है। जैसे ही आप इस चालान को ओपन करते हैं डाउनलोड करके तो आपके सामने ये चालान है कुछ इस तरह से आने वाला है, जहाँ पे आपको आपकी जितनी भी अमाउंट आपने टैक्स के रूप में पे की है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपके यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट अगर आपने यहाँ पे ऐड कर दी है, पेमेंट कर दी है, तो वो आपको यहाँ पे रिफंड मिल जाएगी। अगर आपने अमाउंट कम की है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है आपको नेक्स्ट इनकम टैक्स के अंदर आपको यहाँ पे ऐड करनी रहेगी, पे करनी रहेगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी जो पेमेंट है कर सकते हैं, आपका चालान आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो भी पेमेंट आपने की है उसके लिए आपको यहाँ पे कमिटेड टैक्स पेयर के रूप में अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इनकम टैक्स पे डिपार्टमेंट की तरफ से आपको यहाँ पे थैंक्स भी किया जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना पेमेंट है कर सकते हैं, परंतु आपको यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट करना है कि कितना पेमेंट आपको यहाँ पे एडवांस करना रहेगा, तो सिंपली इसके लिए एडवांस इनकम टैक्स पे कैलकुलेटर होता है जिसका मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद में आप अपना अमाउंट है उसको चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आपका टैक्स बनता है, इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कितनी अमाउंट है, कौन सी डेट को यहाँ पे देनी है, वो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट अमाउंट है 15 जून को यहाँ पे देनी रहेगी, जो कि टोटल अमाउंट का 15% आपको यहाँ पे देना रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे 15 सितंबर को 45% है एडवांस टैक्स आपको यहाँ पे करना रहेगा। इसके अलावा आपको 15 दिसंबर का 75% है एडवांस टैक्स आपको यहाँ पे करना रहता है। इसके अलावा आपका यहाँ पे 15 मार्च को 100% टैक्स है एडवांस में आपको पे करना रहेगा। इसके जो अमाउंट है यहाँ पे कैलकुलेट होकर आपके सामने यहाँ पे आ जाती है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से जो जो डेट आपको दी गई है यहाँ पे आपको पेमेंट करनी रहेगी। अगर आप ये पेमेंट इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं तो इस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पे 1% टैक्स है वो पेमेंट के ऊपर देना रहेगा, और ये जो पेमेंट है आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के ऊपर देना रहता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पेमेंट चेक करना है, पेमेंट आपको करनी रहेगी। जानकारी आज की यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों एडवांस इनकम टैक्स पे से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना एडवांस इनकम टैक्स पे अगर उनका होता है तो वो भर सके। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं, आपको यूं ही अपडेट करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।